फिर उसके बाद उन्होंने मुझे, जब मैं कनाडा आ रही थी, फिर उन्होंने मुझे अगवा करवाया वहाँ पे तीन लोगों के साथ, और उस रात को वो लोग मुझे कहीं और लेके जा रहे थे मुझे बेचने के लिए, तो उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल दिया। मैंने तीन लोगों को खुद मारा, दूध में जहर डाल के मुझे मारने की कोशिश की। इस वक्त मेरे जिस्म में कैंसर बहन रहा था, मुझे नहीं पता था कि कैंसर बहन रहा है मेरी ज़िंदगी में। हालेलुया, यूटर्न प्रोग्राम देखने वाले तमाम भैन भरावां नूं जिंदा खुदावंद मसीह यस्सु दे नाम विच बहुत बहुत प्यार भरिया शालोम। मैं भी नरंगा बहता दरिया कम्युनिटी चर्च कलीसिया दा एक हिस्सा है। इस चर्च दे लीड पास्टर ने डॉक्टर विशाल रंगा जी। असी खुदा दा बड़ा शुक्र गुजार हाँ अज असी अपने प्रोग्राम यूटर्न नूं लैके तुहाडी खिदमत दे विच हाजिर होए हां। यूटर्न प्रोग्राम है की? कई बार इंसान अपनी जिंदगी दे विच अपनियां बीमारियां, लचारियां, नदारियां, परेशानियां, आफतां, मुसीबतां दा करके इस तरह के डेड एंड ते, इस तरह की हद ते पहुंच जांदा आ कि उन्हूं यू टर्न मारन की जरूरत हुंदी है। यू टर्न मारन दे लई इंसान कोल दो डायरेक्शन ने, राइट ते रोंग, सही ते गलत। कई दफा इंसान अपनी जिंदगी का यू टर्न रोंग डायरेक्शन दे विच मार लैंदा आ, अपनी जिंदगी दे विच इत्मीनान, तसल्ली, सुकून, चैन, आराम नू दी तलाश दे विच ओ कई चीज़ां दे गलत इस्तेमाल दे विच फस जांदा, कई तरह की गलत सोसाइटी दे विच पै जांदा आ, ड्रग एडिक्शन दे विच पै जांदा आ, तो अपनी जिंदगी नू पहला नालों भी ज़्यादा बर्बाद कर लैंदा आ। पर ओ इंसान जेड़े अपनी जिंदगी दा यू टर्न सही डायरेक्शन दे विच मारदे आ, मसीह यस्सू दे वल नू मारदे आ, ओ अपनी जिंदगी नू संवारदे आ। जिदा खुदा दे कलाम दे विच लिखा आ, मसीह यस्सू ने कहा कि राह, हक ते जिंदगी मैं। अज साडे स्टूडियो दे विच खुदा दी एक बेटी अपनी जिंदगी दी हद बीती, अपनी जिंदगी दी बड़ी जबरदस्त हकीकत नू लैके साडे विच साडे नाल जुड़े आ। अज साडे स्टूडियो दे विच अपनी हद बीती, अपनी जिंदगी दी बड़ी जबरदस्त हकीकत नू लैके साडे नाल जुड़े आ। मैं तुहाडा बहुत बहुत खुदाबंद मसीह यस्सू दे नाम विच शुक्रिया अदा करती हाँ, तुहानू जी आया कहनी हाँ, तुहाडा स्वागत करती हाँ, तुहानू बहुत बरकत दिंदी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदावंद का शुक्र हो कि मैं इधर हूँ आपके पास अपनी गवाही देने के लिए। थैंक यू सो मच। तुसी मैनू अपना पूरा नाम ते तुसी केड़ी जगह तो बिलोंग करते हैं, केड़ी शहर तो या केड़े पिंड तो तुसी बिलोंग करते हैं? मेरा नाम तलीता डेविड है और मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ? मेरी पैदाइश और परवरिश मसीह घराने में हुई, क्योंकि मेरी अम्मी जो थी वो भी मसीही थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी 16 साल की उम्र में यीशु को दे दी थी यीशु की खिदमत करने के लिए। जिदा तुसी क्या कि ताड़ी मम जेड़े आ वह 16 साल दे सिगे जदों उन्होंने अपनी जिंदगी खुदाबंद नूं दित्ती, ते इहदा मतलब कि जिदा मैं अंडरसटैंड कर रही हाँ कि ताड़े जेड़े उन्होंने पहला मम डैड सिगे जां फोर फादर्स ताड़े भी भी मसीही सी या नहीं? मेरे जो फोर फादर्स थे वो सिख थे। अच्छा जी। और पंजाबी थे, इंडिया से हमारे फोर फादर्स हैं, और वो साधु सुंदर सिंह के जो फैमिली है उनसे हमारा कनेक्शन है, उनकी लाइन में से हमारी फैमिली। जिदा तुसी दस्या के तुसी मसीही घराने दे विच ही पैदा हुए, ताडी परवरिश भी उन्हां ही रस्मां रिवाजां दे नाल हुई, ते तुसी अज केड़ी ओ चीज आ जिहड़ी तुसी खुदा दे लई तुसी दसना चाहुंदे आ, जां की ताडे जिंदगी च इस तरह दा वाकियात गुजरिया ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈਗੇ? ਤੋ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ मसीही नहीं हूँ, सिर्फ मेरा एक ताल्लुक़ है यीशु मसीह के साथ, क्योंकि ताल्लुक़ होना और मसीह होना दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। और जब मेरी ज़िंदगी शुरू हुई 5 साल की उम्र से, जब मैं छोटी सी थी, और उस वक़्त से मेरी मुश्किलात वाली ज़िंदगी शुरू हुई जिसमें मेरा ताल्लुक जो था वो यीशु के साथ था। अच्छा, आप छोटे तुसी बड़े छोटे सिगे जदों तुसी मतलब ताडा जिहड़ा रिलेशनशिप जिहड़ी कहना चाहिए
कि वो ताड़ी खुदावंद मसीह यस्सु दे नाल जो बिल्कुल वो बहना शुरू होगी उनके साथ। अच्छा फिर किद्दा होया तुसी पांच साल तो मतलब कि थोड़ा जिहा तुसी मैनूं दस्सिया सीगा कि बड़ी मुश्किलां दे विचों दी तुसी ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं पांच साल की थी तो मेरे डैडी की डेथ होगी कार एक्सीडेंट के साथ और उसके बाद फिर मेरी जो अम्मी थी उनकी शादी दोबारा से की क्योंकि वो बहुत यंग थी तो मेरे नाना नानी ने उनकी शादी दोबारा से की और वहाँ से फिर मेरी ज़्यादा और ज़्यादा मुश्किलात शुरू होगी क्योंकि जो मेरे स्टेप डैड थे वो मुझसे बहुत बुरा सलूक करते थे मेरी बहन के साथ भी हमें टॉर्चर करते थे मारते थे और हमें बुरी नज़र से देखते थे। अच्छा लाइक तनु फिजिकली भी उन्होंने अब्यूज किया। हाँ जी हाँ जी तो फिजिकली अब्यूज किया तो थोड़ा जो मैंने दस्या सी कि तनु फिर हॉस्पिटल जी तुसी हाँ जी मैं महीने तक रहे। हाँ जी मैं 9 साल की थी और मैं 3 महीने तक अस्पताल में रही क्योंकि मैं सांस नहीं ले सकती थी मैं बात नहीं कर सकती थी और मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था और मेरा बुखार टूट नहीं रहा था और डॉक्टरों ने मेरी अम्मी को कह दिया था कि आपकी बेटी जो है वो जो है उसमें शॉक में है तो वो बोल नहीं सकती और उसकी ज़िंदगी जा सकती है किसी वक्त भी। अच्छा शौक में आप इस शौक दे विच तुसी इस करके चले गए क्योंकि ताडे जेडे स्टेप फादर सीगे वो ताडे नाल बहुत बैड ट्रीट करते। हाँ जी बिल्कुल इस करके तुसी शौक दे विच चले। हाँ जी ते जदों तुसी ठीक हो गए फिर ताडी मम ने फिर उन्होंने मुझे लड़कियों के हॉस्टल में डाल दिया था क्योंकि वो अकेली थी वो काम पे जाती थी और जब हम सुबह स्कूल होते थे तो वो घर पे होती थी वो ट्यूशन्स पढ़ाती थी और शाम को फिर वो काम पे जाती थी तो वहाँ पे इतना महफूज नहीं था कोई हिफाजत करने वाला नहीं था हम लोगों की तो फिर मुझे और मेरी बहन को उन्होंने लड़कियों के हॉस्टल में डाल दिया तो फिर हम उधर चले गए और उसके बाद फिर जब मैंने अपना स्कूल वगैरह ख़त्म किया कॉलेज ख़त्म किया तो फिर उसके बाद मेरा रिश्ता आया और फिर मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी होगी। अच्छा। और फिर शादी के बाद मुझे पता चला कि जो मेरा खावंद है वो किसी और मज़हब से बिलोंग करता है वो मसीही में नहीं है हमारा ईमान हमारा फेथ एक जैसा नहीं था। जदों ताडा रिश्ता आया तां नूं उदों पता नहीं सीगा कि जिहदे नाल ताडा रिश्ता हो रहा कि वो सेम फेथ दा नहीं है। नहीं मुझे नहीं पता था क्योंकि वो उसी चर्च जाना शुरू हो गए थे जहाँ पे मैं जाती थी। अच्छा अच्छा तो मुझे इसलिए बिल्कुल नहीं पता चला और बाद में फिर उसको सारी दुआएं आती थी उसको बाइबल भी उसने सीख ली हुई थी। अच्छा। मुझे नहीं पता कैसे लेकिन वो फिर शादी के बाद मुझे पता चला कि उसका जो ईमान है वो मेरा ईमान वाला नहीं है। अच्छा। और उसकी वजह से मैंने बहुत दुख उठाए क्योंकि मुझे वो चर्च नहीं जाने देता था मुझे मार पड़ती थी मैं जब भी चर्च जाती थी चर्च से वापस आती थी मुझे मार पड़ती थी बहुत ज़्यादा मेरी बाइबल फाड़ दी जाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा लाइक दुख में से गुजरना पड़ रहा था उसकी वजह से। अच्छा तो फिर तुसी की कीता मतलब कि तनु बहुत ज़्यादा वो टॉर्चर करने लग गया बाइबल फाड़ दें तनु मारिया गया कुटिया गया तनु। हाँ और किस हद तक मतलब कि फिर तुसी ये सारिया चीज़ा सही हैं फिर उसने यहाँ तक के उसने दूध में जहर डाल के मुझे मारने की कोशिश की जो कि मेरा जो पेट था मेरा डॉग था वो बैठा हुआ था तो उसने वो ग्लास मेरे हाथ से गिरा दिया और उस कुत्ते ने वो पी लिया मेरे पेट ने वो पी लिया। अच्छा। और उसकी राइट अवे उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई और मुझे पता चला कि उसमें तो जहर था बाद में जब उसका डॉक्टर ने देखा तो उसमें जहर मिलाया हुआ था लेकिन वहाँ पे उनके पास वो जो फैमिली थी मेरे खावन की उनके पास पैसा बहुत था इसलिए उनको किसी ने पकड़ा नहीं। अच्छा तो तुसी की कहना चाहते कि वो जहर ताडे लिए उन्होंने बनाया सीगा। हाँ जी। पर वो ताडे पेट ने ताडे डॉग ने ताडे हाथ दे विच वो ग्लास लेके खुद पी लिया थल्ले सुट देता। हाँ जी ते तुसी की कहना चाहते कि ये की ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि 23 ज़बूर में लिखा है कि ख्वा तू मौत की वादी में से भी तेरा गुजर हूँ मैं तेरे साथ हूँ तो खुदा लाइक जब मैं अस्पताल में थी 3 महीने और डॉक्टर कह रहे थे कि तू लाइक ये मर जाएगी मेरी माँ को उस वक़्त भी खुदा ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी मैंने दोबारा से बोलना शुरू किया मैं ठहर ठहर के बोलती थी मैं इतना तेज़ नहीं बोलती थी। अच्छा। मैं लोगों से बहुत दूर रहना शुरू हो गई थी लेकिन खुदा हर मिनट पे मेरे साथ साथ था और फिर दूसरी दफ़ा खुदा ने दिखाया कि उस दूध में जहर था और वह दूध मैं नहीं पी सकी उससे भी खुदा ने मुझे बचा लिया और मुझे दोबारा से ज़िंदगी दी। अच्छा। और खुदा ने ये फिर तीसरी दफ़ा मेरे खावन ने मेरा जो बड़ा दुपट्टा पाकिस्तान में लेते हैं वो मैंने लिया था उन्होंने स्पेशल मोटर बाइक के पहिए में अटकाया कि मेरी पूरी जो गर्दन थी वो पीछे लटकी हुई थी और मैं मोटर बाइक के साथ घसीटता हुआ
वो मुझे मेरा हस्बैंड लेके जा रहा था। अच्छा। और उस वक्त मेरी पीछे सारी लाशें पड़ गई, सारी छिल गई, कॉन्क्रीट था सारा, मेरे घुटने सारे छिल गए और मैं बिल्कुल बिस्तर के ऊपर चली गई 6 महीनों के लिए। अच्छा। और डॉक्टरों ने कहा कि अब आप उठ के कभी चल नहीं सकती, आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर बहुत बुरी चोट लगी है। अच्छा। और फिर दोबारा से खुदा ने मुझे उठा के खड़ा किया और खुदा ने पूरी दुनिया को दिखाया कि मैं तलीता के साथ हूँ और मैं इसको ज़िंदगी दे रहा हूँ दोबारा से। और अभी आप देख सकते हैं मेरी कमर के ऊपर कोई निशान नहीं है, मेरी कमर बिल्कुल साफ़ है। मेरी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर पूरा बड़ा निशान था कि बीच में से आप गिन सकते थे कमर के मोहरे, काला निशान पड़ गया था, लेकिन अभी मेरी कमर बिल्कुल साफ़ है, एक निशान नहीं है मेरी कमर पर। अच्छा। उस एक्सीडेंट के बाद लाइक खुदा ने मुझे एक नई जिंदगी दी तीसरी दफा। सो 3 बार खुदा ने तानू मौत दे मुंह दे विचों बचाया। बिल्कुल। ताडे ईमान दा करके। मेरे ईमान का करके। फिर तुसी जदों बिल्कुल 3 बार तुसी बच गए आ ते फिर की होया ताडी जिंदगी दे विच? फिर ये हुआ कि मैं जब कनाडा आ रही थी तो फिर मेरे हस्बैंड को पता चला कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि वो तो किसी और औरत के साथ जा चुके थे। अच्छा। तो फिर खुदा ने रास्ता बनाया मेरे लिए कि मैं वहाँ से निकलूँ। अच्छा, इतने मतलब मैं एक पूछना चाहनी हां कि तुसी क्या आया कि वो किसी होर दे नाल मतलब चला गया? हाँ जी। मीन्स वो क्यों चला गया, मतलब की सी वजह? क्योंकि उसको ये था कि वो चाहता था कि मैं यीशु को छोड़ दूँ। अच्छा। और मैं यीशु को नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ, मैं यीशु को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने यीशु को अपने साथ साथ अपने निगबान की तरह पाया है और मैं अपने यीशु को नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ। तो इसलिए फिर उनको, वो खुद चले गए, उन्होंने हार मान ली और वो छोड़ के मुझे चले गए किसी और औरत के साथ। खुदा दे कलाम दे विच लिखा है ना कि ब्लेस्ड या वो जेड़े मेरे नाम दे उत्ते सताए जांदे। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਟਲੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਦ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਵਹਾਂ ਪੇ 3 ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਸਾਥ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਤ ਕੋ लाइक वो लोग मुझे कहीं और लेके जा रहे थे मुझे बेचने के लिए, तो मैं अपनी वर्जिश करके आ रही थी जिम से, तो उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल दिया और फिर उसके बाद फ़ोन ले लिया गया मेरा, उनकी गाड़ी ख़राब होगी। मैं दिल में दुआ करती जा रही थी क्योंकि वो मुझे किसी इलाका गैर में लेके जा रहे थे जिस इलाके का किसी को भी नहीं पता, जहाँ पर लड़कियों को बेच देते हैं। अच्छा। तो मैंने खुदा से कहा, मैंने कहा खुदाया तू हर वक्त मेरी मदद करता है, मुझे आज भी तेरी वही पावर चाहिए। ठीक है, मैं इन लोगों के साथ, मुझे नहीं पता ये कौन है, किसने भेजे हैं, लेकिन मुझे तेरी अभी पावर चाहिए। और खुदा ने ऐसा किया कि गाड़ी ख़राब हुई, मैंने 3 लोगों को खुद मारा, मैंने उनके साथ कुश्ती की। अच्छा। और मैं वहाँ से भाग गई, वहाँ पे फिर 2 लोग गाड़ी चला रहे थे, उनसे मैंने मदद मांगी कि आप मुझे प्लीज़ मेरे घर ड्रॉप कर दो, मुझे अगवा किया गया है। उन्होंने बिठाया लेकिन उनकी भी नज़र ख़राब थी। अच्छा। तो फिर उन्होंने, मैंने उनसे कहा कि अंकल प्लीज़ रोकें यहाँ पे, मुझे प्यास लगी है, क्योंकि मॉल आ गया था। तो उन्होंने रोका, मैं वहाँ से भी भाग गई। फिर वहाँ पे मुझे वकील मिले जिन्होंने मुझे मदद के लिए मेरे भाई को बुलाया, और फिर वहाँ से मैं, मेरी जान बचा के खुदा ने 4th दफ़ा मेरे घर तक पहुँचाया। अच्छा, तुसी कह रहे सीगे कि तुहाडे हस्बैंड तुहानू आप ही छड्ड के चल गए क्योंकि वो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ? ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਾਸਤਾ ਨਿਕਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਥਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਦਰਦ ਔਰ ਦੁੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਇੱਕ ਨਏ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ 3-3 महीने रोज़े रखती थी और दुआ में झुकी रहती थी हर वक्त। जो मेन चीज़ है वो दुआ है। अगर आप हर वक्त दुआ में झुके रहोगे और आपका एक ताल्लुक़ होगा, आपका रिलेशनशिप होगा खुदा के साथ जो कि बहुत मजबूत होना चाहिए, तो फिर आपको कोई भी चीज़ जो है वो आपको खुदा देने से वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने वादों का खुदा है, उसके वादे हमेशा हाँ में होते हैं। और आज तक उसने मुझसे जो जो वादे किए हैं, जितनी दफ़ा वादे किए हैं, वो हमेशा सच हुए हैं, हमेशा सच हुए हैं। फिर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਥਾ, ਜਿਸਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਪੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਥਾ ਜਿਸਕੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਤੀ। ਜਬ ਮੈਂ ਆਈ ਥੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਯਹਾਂ ਪੇ,
बिल्कुल, मैं सिर्फ एक ब्लैंकेट लेके आई थी और कुछ कपड़े लेके आई थी, लेकिन उस वक़्त भी मैं सुबह उठ के हमेशा खुदा को सजदा करती थी और दुआ करती थी कि खुदाया मेरी हर सांस के लिए तेरा शुक्र है कि मैं अभी भी सांस ले रही हूँ। इसका मतलब है कि अभी भी तेरे मेरा जीने का मकसद अभी भी है, क्योंकि जब आप तेरे लिए है क्योंकि जब हम सांसें ले रहे होते हैं तो हम वो खुदा की तरफ से आते हैं, वो उसका एक गिफ्ट होता है जो कि बहुत से लोग नहीं समझते कि वो सांसें किसके लिए आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। अच्छा, तो फिर ताड़ी इत्थे आन के ताड़ी फिर शादी हो गई। हाँ जी, ओदे बारे तुसी मैनू दस रहे सीगे कि जो ताड़ी मैरिज हो गई आ। हाँ जी, फिर ताड़ी जिंदगी किद्दां दी रही इत्थे? उसके बाद बस ये हुआ कि मैं जब प्रेगनेंट हुई हूँ तो मेरी जब बेटी होने वाली थी तो मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई। अच्छा, और उस वक़्त मेरे जिस्म में कैंसर बांध रहा था और मुझे नहीं पता था कि कैंसर बांध रहा है मेरी ज़िंदगी में। अच्छा, मेरे जिस्म में। तो डॉक्टर्स के पास मैं गई हूँ तो चौथे महीने में मुझे बहुत तेज खून निकलता जा रहा है और मैं रो रही हूँ। अच्छा। और मैंने डॉक्टर से जाके कहा कि क्या हुआ है, लाइक मेरा बच्चा मेरा चला गया क्या है लाइक। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम देखते हैं, और उन्होंने देख के कहा कि तो बहुत दिल तो धड़क रहा था लेकिन कहते बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो अगर आपका बच्चा ना बचे तो आप उसके लिए अपने आप को तैयार करना शुरू करें। अच्छा। तो वो मुझे बता रहा और मैं बिल्कुल बिल्कुल आराम से मैं खड़ी हुई हूँ जैसे कुछ नहीं हुआ। अच्छा। मैंने कहा रेली, मैंने कहा मेरे पास तो यीशु है। अच्छा। तो मैंने कहा ये बच्चा तो इस दुनिया में आएगा? तो वो डॉक्टर कहता आई थिंक आपको ज़्यादा दुख हो रहा है, आप शॉक में जा रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे साथ यीशु है, मेरी ब्लीडिंग हो रही है, मैं खड़ी हुई हूँ हॉस्पिटल में। और डॉक्टर कहते कि आपको घर जाके ना आराम करने की ज़रूरत है। वो समझ रहे कि मैं उस चीज़ को बहुत सीरियस ले रही हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, ये बच्चा आएगा, मैं इस बच्चे को आपको मिलवाने के लिए लाऊँगी, आप लिख लेंगे क्योंकि मेरे पास मेरा यीशु है। अच्छा। और उसी तरह ब्लीडिंग होते मैं चली गई। अच्छा। मैंने घर जाके पानी लिया, अपने दवाया कमरे में गई हूँ और मैंने पानी लिया, मैंने खुदा के सामने मैं झुक गई और मैंने खुदा से कहा खुदाया ये तू मेरे पेट में ये जीवन लेके आया नया और तू ही इसको संभालेगा। अच्छा। और जब मैं दुआ करती हूँ खुदा से लड़ के दुआ करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे साथ खड़ा हुआ है और मैंने हमारा बाप है और हमें ये अथॉरिटी है, उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा और मैंने मांगा और उसने मुझे दे दिया। और मैं हर दूसरे हफ्ते जाती थी अल्ट्रासाउंड करवाने और मैं हमेशा दुआ करके जाती थी। और आज जो वो है, वो बच्ची खुदा का शुक्र है कि वो तंदुरुस्त है, 8 साल की है वो, और वो खुदा की खिदमत कर रही है बहुत छोटी सी उम्र में कि वो खुदा की औरतों की मीटिंग है उसकी जो लास्ट प्रेयर है हमेशा वो करती है। उसने पिछले साल बपतिस्मा लिया पानी का और वो भी उसने लड़ के लिया है पास्टर से कि मैंने लेना है, मैंने जीसस की फैमिली में दाखिल होना है क्योंकि वो खुदा की चुनी भेड़ है और मुझे पता है कि खुदा के उसके लिए बहुत बड़े प्लान्स हैं और खुदा उसको इस्तेमाल करेगा इस चीज़ के लिए। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आप उसको मिलवा सकती हूँ उसको। कलीता, कैन यू कम एंड कैन यू टेल एवरीवन हियर दैट हाउ मच यू लव जीसस एंड व्हाट जीसस इज इन योर लाइफ? जीसस इज एवरीथिंग। एंड हाउ मच यू लव हिम? सो मच। So much, and he bought you here, and he gave you brand new life, right? And he is your savior. Amen. Thank you so much. God bless you. God bless you. Thank you. तो तुसी की साडे जेडे देखण वाले भैन भरा आ यूटर्न प्रोग्राम नू, उना नू तुसी की स्नेहा देना चाहुंदे आ क्योंकि इन्नियां आफतां मुसीबतां ताडे ते आईयां, तुसी खुदा दा जेड़ा पलड़ा उनू छड्डिया नहीं। मैं ये स्नेहा देना चाहती हूँ कि जब आपके ऊपर मुसीबतें आती हैं और आपका रिश्ता खुदा से बना होता है तो इसका मतलब नहीं है कि आप पे कोई मुसीबतें नहीं आएंगी। आप पे मुसीबतें आएंगी लेकिन उन सब मुसीबतों में खुदा आपके साथ साथ होगा। आपने एक रिश्ता बना के रखना है खुदा के साथ, आपने उसके नाम को रोज़ाना पुकारना है, आपने उसके आगे दुआ में झुक जाना है कि जैसे दाऊद नबी हमेशा उसकी परस्तिश करता था, जैसे दानियल नबी हमेशा दुआ में झुका रहता था और उन सब लोगों को खुदा ने उनके साथ साथ चलता था खुदा। तो हमने भी इसी तरह दुआ में, मेरी अपनी ज़िंदगी से कि मैंने कितनी दुआएं और कितने रोज़े अभी तक मैं हमेशा जब तक मैं सुबह मेरी आँख खुलती है तो मैं झुक जाती हूँ सजदे में। मैं कहती हूँ खुदाया मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सांसों के लिए जो आज लोग पैसे दे के कहते हैं कि हम जिंदा रहें और तूने मुझे ऐसे दे दी क्योंकि मेरा रिश्ता था खुदा के साथ और मैंने उस ईमान को कभी अपनी मैं आंखें बंद करके खुदा पे ईमान रखती हूँ कि मैं डॉक्टर को आप किसी भी कैंसर के पेशेंट से पूछें वो कभी डॉक्टर को ये नहीं कहेगा कि मैं जिंदा रहूँगा।
क्योंकि मुझे पता है यीशु जो है वो जिंदगी है, जब जिंदगी आपके पास है तो फिर आप क्यों डरते हैं मौत से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जड़ा जिंदा खुदाबंद असी तां ही कहने कि वह इदा के जेडे नामुमकिन काम आ उन्होंने मुमकिन करता, जेड़ा इंसान नहीं कुछ कर सकता खुदा दे लई वो कोई मुश्किल काम नहीं। या बिल्कुल। सो टैलिथा जी असी ताडा बड़ा शुक्रगुजार हाँ, ताडा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ, तुसी अपना टाइम कढ़ के अज साडे विच अपनी इस गवाही नू लैके आए हाँ, ते खुदा दियां सारियां तरह दियां बरकतां जिहड़ियां ताडे उत्ते मैं बोलदी हाँ। आपके ऊपर भी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेरा पूरा यकीन है कि आज दी जेड़ी खुदा दी बेटी दी जबरदस्त गवाही साडे भैण भरावां ने सुनी आ, हो सकदा कि वो ताडे कई सवालों के जवाब उहदे विचों तुहानूं मिले होणगे, ते इह भी हो सकदा कि कई सवाल ताडे नवें भी पैदा होए होणगे। जे ताडा कोई भी सवाल आ जां तुसीं भी किसी इस तरह दीआं मुश्किलां दे विचों दी गुजर रहे आ, ते तुसी जेड़ी स्क्रीन दे उत्ते साड़ी इनफॉर्मेशन आ रही हैगी आ उहदे तो नंबर लैके तुसी सानू साडे नाल राबता कायम कर सकदे आ। जरूर ताडे सवालां दे जवाब ते ताडे लई दुआ कीती जा भी कीती जाऊगी। ते साडा जेड़ा मैं एक होर गल दसना चाहुंदी आ कि साडा जेड़ा चर्च हैगा आ बेहतरिया कम्यूनिटी चर्च आ, ये एवरी संडे जेड़ा हैगा हर एतवार नूं 1 बजे साडी सर्विस हुंदी आ। जे तुसी GTA दे विच टोरंटो के आस पास रेंदे है तो तुसी इन परसन सानू साडी सर्विस संडे सर्विस नू ज्वाइन कर सकते हैं। जे तुसी नहीं साडे आस पास रेंदे दूर रेंदे तो तुसी सानू ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू सानू तुसी सानू ज्वाइन कर सकते हैं। ते मेरी बड़ी गुजारिश आ ताडे अगे कि कदी भी तुसी साडे इस प्रोग्राम नू लाइक ते शेयर करना ना भुलियो। जिंदा खुदावंद मसीह यीशु दी शांति ते सलामती साडे सारे देखण वाले भैण भरावां दे नाल बनी रहे। रिमैंबर इफ यू गैट लॉस्ट ऑन द रोड ऑफ योर लाइफ, गॉड अलाउज यू टू मेक अ यू टर्न। गॉड ब्लेस यू।